वैसे मुझे नहीं लगता तोते कि ये ठंडी का मौसम इतनी जल्दी जाएगा। मुझे तो लग रहा है ये ठंडी आगे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे हमारे घर बंद तो हैं परंतु काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। ठंडी की बारिश भी बहुत तेज़ होती है, इसीलिए हम पक्षियों को अपने लिए नए घर बनाने पड़ेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, पिछली सर्दी की बारिश में भी मेरा घर टूट गया था। मैं इस बार तो कोई रिस्क नहीं लूँगा और अपना मजबूत घर लाजमी बनाऊँगा। तो ठीक है, फिर सब पक्षियों को जमा करते हैं और उन सबसे कह देते हैं कि सब पक्षी जल्द से जल्द अपने नए पक्के घर बना लें। अगले दिन मीनू चिड़िया और तोता काफ़ी पक्षियों को जमा कर लेते हैं। क्या बात है भाई तोते, इतनी ठंडी में सुबह सुबह क्यों जगा दिया मुझे? कालू कावे, सुबह नहीं अब तो दोपहर हो रही है और बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए मैंने सब पक्षियों को यहाँ पर बुलाए हैं। हाँ पक्षियों, तुम सबको तो पता है कि हर साल ठंडी के मौसम में हमारे जंगल में बहुत तेज़ बारिशें होती हैं जो कि 3-4 दिन तक चलती हैं। और हम सबके घर तो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए हैं, इसीलिए बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे वो। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम मीनू चिड़िया, मेरा घर तो अभी भी हल्की हवा से ही हिल जाता है। हाँ पक्षियों, इसीलिए हम सबको अपने अपने घर जल्द से जल्द बना लेने चाहिए। और मुझे पता है कि पहाड़ों की तरफ जो सूखे पेड़ हैं उनसे बहुत अच्छा घर बनेगा। हाँ तो चलो मीनू चिड़िया, देर किस बात की, आज ही चलते हैं पहाड़ों की तरफ और लकड़ियाँ काट कर ले आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे जंगल के पक्षी आकर सारे पेड़ काट कर ले जाएं और हमारे लिए कुछ ना बचे। हाँ हाँ इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, चलो चलो चलते हैं सारे पक्षी। थोड़ी ही देर में वे सब पक्षी अपने अपने घरों से लकड़ियाँ काटने का सामान लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, क्या आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पक्षियों तुम सब चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा तुम सबके साथ। क्यों भाई कालू कवि, तुम और रानी कवि क्यों नहीं चल रहे हमारे साथ? क्या तुम दोनों को अपना घर नहीं बनाना? तोते, मुझे पता है मेरा घर बहुत मजबूत है, इसीलिए मैं नहीं जा रहा तुम्हारे साथ। वैसे भी इतनी मेहनत से लकड़ियाँ नहीं काट सकता मैं। देखो कालू कवि, अगर इस समय तुम सुस्ती दिखाओगे तो बाद में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी, इसीलिए तुम चलो हमारे साथ। कहा ना मीनू चिड़िया, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ, मेरा घर बहुत मजबूत है। अगर मान लो मेरा घर टूट भी गया ना तो मैं रानी के भाई के घर चला जाऊंगा। ठीक है कालू कवि, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वे सारे पक्षी लकड़ियाँ काटने पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और कालू कौवा और रानी कौवी आकर अपने घर में आराम से सो जाते हैं। शाम तक वे सारे पक्षी लकड़ियाँ काट कर अपने जंगल में वापस आ जाते हैं। देखो रानी, इन गरीब पक्षियों को बारिश से बचने के लिए ये गरीब पक्षी कितनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ तो कालू जी, इनके पास कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है, हम तो बारिश में मेरे भाई के घर चले जाएंगे, इसीलिए हमें इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगले दिन से वे सब पक्षी काफ़ी मेहनत से अपना अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कालू कवि और रानी कवि की, उन दोनों को तो इस बात की कोई चिंता ही नहीं। मीनू चिड़िया, छोड़ दो कालू कवि को उसके हाल पर, जब ठंडी की बारिश में भीगेगा तब पता चलेगा कि हम पक्षी ठीक कहते थे उसे। नहीं तोते, कालू कौवा हमारा दोस्त है और हमारे जंगल में रहता है, उसे समझाना तो हमारा फर्ज है। कोई बात नहीं, मैं एक बार फिर जाकर कालू कौवे से बात करके देखती हूँ, क्या पता मेरी बात मान जाए। ये बोलकर मीनू चिड़िया दोबारा कालू कौवे को समझाने उसके घर पर जाती है। अरे तुम फिर से आ गई, क्या तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है जो बिला वजह परेशान कर रही हो हमें? कालू कौवे, मैं बस तुम्हें यहाँ यही समझाने आई हूँ कि हम पक्षी ऐसे ही अपना नया घर नहीं बना रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पुराने घर बहुत कमज़ोर हैं और नया घर बनाना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए तुम मेरी बात मान लो और नया घर बनाना शुरू कर दो अपना। मीनू चिड़िया, तुम मेरा दिमाग क्यों ख़राब कर रही हो? कुछ नहीं करना मुझे, मुझे पता है मेरा ये घर बहुत मजबूत है, चलो चलो जाओ यहाँ से अब। परंतु कालू कवि, परंतु कुछ नहीं, चलो भाई जाओ यहाँ से अब। कालू कौवा और रानी कौवी मीनू चिड़िया को बुरा भला कहकर उसे वहाँ से भगा देते हैं। बस अब कुछ ही दिनों बाद सारे पक्षी अपना अपना मजबूत घर बना लेते हैं। वे पक्षी अब बहुत खुश थे क्योंकि अब उन्हें बारिशों की कोई भी चिंता नहीं थी। फिर एक दिन जंगल में तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे और आसमान को भी काले काले बादलों ने घेर लिया था।
पक्षियों, मुझे तो लगता है कि तेज बारिशें शुरू होने वाली हैं। चलो चलो भाई, अपने अपने घर चलते हैं, वरना बीमार हो जाएंगे हम तो। फिर सारे पक्षी अपने अपने मजबूत घरों में आकर आराम से बैठ जाते हैं। और तभी ही बाहर जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। देखा रानी, ये मेरा बनाया हुआ घर है, पिछले साल बनाया था, पर अभी भी इतना मजबूत है कि इतनी तेज बारिशों में भी ये इतना सा भी नहीं हिल रहा। अगर उन पक्षियों की बातों में आकर मैं नया घर बना लेता तो बिला वजह मेरी मेहनत ही जाया जाती। कालू कौवे का इतना ही कहना था कि तेज हवाओं की वजह से कालू कौवे का घर भी अब जोर जोर से हिलने लगता है। वे घर ऊंचाई पर बना हुआ था, इसीलिए वे नीचे गिर जाता है और अब कालू कौवे का पूरा घर बुरी तरह से टूट फूट गया था। हाय रे, मर गया, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे रे, ये घर कैसे गिर गया मेरा। हाय रे कालू जी, आपने तो मुझे मरवा ही दिया, ये बनाया है आपने इतना मजबूत घर। चलो रानी, बारिश का पानी बहुत ठंडा है, तुम्हारे भाई के घर चलते हैं। फिर कालू कौवा और रानी कौवी दूसरे जंगल रानी कौवी के भाई के घर चले जाते हैं। दूसरे जंगल में भी तेज हवाओं के साथ काफी तेज बारिशें हो रही थीं। भैया, इस तेज बारिश में मेरा घर तो बुरी तरह से टूट फूट गया। चली चले घर में, आज मैं आपके ही घर में रहूंगी। रानी मेरी बहन, मुझे माफ करना, पर तुम चली जाओ यहाँ से। मेरे घर में पहले ही मेरी पत्नी के मायके वाले आए हुए हैं, वे सारे ही आलसी हैं, किसी ने भी अपना घर नहीं बनाया, इसीलिए बारिश के मौसम में सब मेरे घर में आकर घुस गए। मेरा घर पूरी तरह से भरा हुआ है, इसीलिए तुम चली जाओ यहाँ से। क्या, पर अब हम कहाँ जाएंगे इतनी तेज बारिश में, हमारे पास तो रहने के लिए और कोई जगह नहीं है। कालू कौवा और रानी कौवी बारिश से बचने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे थे और काफी देर से जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। कालू जी, ये ठंडी की बारिश तो मार ही डालेगी मुझे, हमने बहुत गलत किया जो पक्षियों की बात नहीं मानी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, अगर हमने भी अपना घर बना लिया होता तो हम पक्षियों की तरह आराम से अपने घर में बैठे हुए होते। ये हमें हमारी गलती की सजा मिल रही है। मैं समझ गया हूँ, हर काम अपने वक्त पर करना चाहिए, क्योंकि समय लौट कर नहीं आता वापस। मीनू चिड़िया बहुत गरीब थी। मीनू चिड़िया के दो बच्चे थे, सोनू चिड़िया और मानो चिड़ा। मीनू चिड़िया का पति सोनू चिड़ा जब से मरा था, मीनू चिड़िया तो काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गई थी। अब सोनू चिड़िया भी बड़ी हो गई थी, जिस कारण मीनू चिड़िया को सोनू चिड़िया की शादी की चिंता रहती थी। अरे मम्मा, आज तुम परेशान क्यों लग रही हो, क्या बात है? बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो और अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, परंतु गरीब पक्षियों के घर तो रिश्ते भी नहीं आते, बस इसी कारण मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मम्मा, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, आप मेरी वजह से बस परेशान मत हुआ करें। हाँ मम्मा, दीदी की जब शादी होनी होगी तो हो जाएगी, बस आप परेशान ना हुआ करो। बस फिर अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया, मेरे पास तुम्हारे सोनू चिड़िया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। घर में सिर्फ चिड़ा और उसकी माँ रहते हैं, इतने अमीर नहीं हैं, परंतु आराम से घर का गुजारा चल जाता है उनका। अगर तुम बोलो तो मैं उनको लेकर आता हूँ। रिश्ता तो मुनासिब लग रहा है, एक काम करो कालू कौवी, तुम उन्हें लेकर आओ। ठीक है मीनू चिड़िया, अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी सोनू चिड़िया इतनी सुंदर है कि इसे रिश्ते वाले पसंद कर ही लेंगे। अगले दिन कालू कौवा रिश्ते वालों को लेकर मीनू चिड़िया के घर पर आ जाता है। सोनू चिड़िया को देखकर तो मुनमुन चिड़े की माँ जी फौरन से पसंद कर लेती हैं। मीनू चिड़िया, मेरा नाम कोमल चिड़िया है और मुझे तुम्हारी सोनू चिड़िया बहुत पसंद आई है। अरे हाँ भाई, मुझे भी सोनू चिड़िया बहुत पसंद आई है। बेटा तुम तो चुप रहो, बड़ी बात कर रहे हैं ना, जब बड़ी बात करें तो चुप रहना चाहिए। अरे भाई, ये मम्मा तो मेरी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मीनू चिड़िया, बताओ कितने खेत हैं तुम्हारे पास और कितने घर हैं? कोमल चिड़िया की बात सुनकर मीनू चिड़िया तो चुप ही रह जाती है। अरे अब बता भी दो मीनू चिड़िया, कुछ पूछा है तुमसे मैंने? हाँ हाँ, वो कोमल चिड़िया, असल में बहुत पहले ही मेरे पति की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिस कारण हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बस मेरे पास ये एक ही घर है, इसके अलावा ना तो मेरे पास कोई खेत है और ना ही कोई घर। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो मीनू चिड़िया, इतने गरीब पक्षियों में तो मैं कभी नहीं करूँगी अपनी बेटी की शादी। अरे भाई, ये तो जहेज भी नहीं दे सकते,
चल मनमन, चल यहाँ से फौरन। अरे माँ, ऐसी भी क्या जल्दी है, तुम कहीं तो होने दो मेरा रिश्ता। बस अब तुम ये रिश्ता पक्का कर दो। देखो मीनू चिड़िया, मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से मान रही हूँ और ये रिश्ता पक्का कर रही हूँ, परंतु मुझे दहेज में एक बड़ा सा घर और सब्जियों का खेत चाहिए। अगर तुम ये दे सकती हो तो अभी बता दो मुझे। मुझे मंजूर है, मैं कुछ भी करके एक सब्जियों का बड़ा सा खेत तुम्हें दहेज में दे ही दूंगी। बस फिर वे मुनमुन चिड़िया और कोमल चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या किया तुमने, तुम सब्जियों का खेत कैसे खरीदोगी? कालू कवि, बस मैं अपनी शनो चिड़िया का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, और मैं जानती हूँ कि गरीब चिड़ियाओं को कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए इस रिश्ते को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। बस फिर मीनू चिड़िया अपना वे घर बेच देती है और एक छोटे से घोंसले में रहने लगती है। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? तुमने मेरी शादी की वजह से हमारा इतना अच्छा घर बेच दिया। सुनो चिड़िया, तुम चुप करो, बस अब मैं थोड़े से और पैसे जमा करके एक बड़ा सा खेत खरीद लूंगी। दीदी, मम्मा ठीक कह रही हैं, बस अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। मम्मा, अगर आप कहो तो मैं भी बाहर जाकर किसी काम पर लग जाता हूँ, थोड़े पैसे आ जाएंगे। नहीं नहीं मीनू चिड़िया, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम कोई काम नहीं करोगे। बस मीनू चिड़िया काफी मेहनत करती है और दिन रात काम करने के बाद मीनू चिड़िया के पास एक सब्जियों का बड़ा खेत खरीदने के लिए पैसे जमा हो जाते हैं। और अब मीनू चिड़िया उल्लू सेठ का सब्जियों का बड़ा सा खेत खरीद लेती है। कोमल चिड़िया, ये देखो मैंने सब्जियों का खेत खरीद लिया है। अरे वाह मीनू चिड़िया, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, बस अब हम एक महीने के बाद सोनू चिड़िया और मुनमुन चिड़िया की शादी करवा देंगे। बस अब मीनू चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। बस इसी तरह एक महीना भी गुजर जाता है। एक दिन कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया वो मैं बहुत जरूरी बात करने आई हूँ तुमसे, जरा मेरी बात सुनो। हाँ कहो कोमल चिड़िया, क्या बात है? तुम तो जानती हो मीनू चिड़िया कि मुझे गरीब पक्षी बिल्कुल पसंद नहीं, परंतु फिर भी मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना रही हूँ। देखो भाई, सब्जियों के खेत से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम तुम्हें दहेज में एक सब्जियों के खेत के साथ साथ एक बड़ा सा घर भी देना होगा, तभी मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से करवाऊंगी। हाय रे कोमल बहन, कुछ तो दिया करो, हम गरीब पक्षी हैं, मैंने तो खेत ही इतनी मुश्किलों से खरीदा है, और अब शादी में एक दिन रह गया है तो अब आप घर का भी कह रही हैं। तौबा है कोमल आंटी, आपने तो मेरी मम्मा को परेशान ही करके रख दिया है। वैसे मीनू चिड़िया, तुम्हारी बेटी की जबान बहुत चलती है, बस मैंने कह दिया कल मुझे शादी में एक घर चाहिए, वरना कल मैं शादी में ही ये रिश्ता तोड़ दूंगी। इतना कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अब मीनू चिड़िया काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशानी के कारण मीनू चिड़िया की अब तबीयत खराब हो जाती है। मीनू चिड़िया तुम चिंता मत करो, मैं अपने पास से कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा घर का। नहीं कालू अंकल, आप कुछ नहीं करेंगे, अब जो करना है वो मैं करूँगी। ये कहकर सोनू चिड़िया मुनमुन चिड़े के पास चली जाती है। मुनमुन चिड़े, बस बहुत हो गया, अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अरे ये क्या कह रही हो सोनू चिड़िया, आखिर क्या हुआ है मुझे बताओ तो। फिर सोनू चिड़िया सारी बात मुनमुन चिड़े को बताती है। मुनमुन चिड़े, अगर ये सब कुछ तुम्हारी बहन के साथ हो रहा होता तो तुम्हें तब पता चलता, मुझे तो बस तुम जैसे लालची पक्षियों से शादी नहीं करनी। अरे अरे रुको रुको सोनू चिड़िया, मम्मा तो इस तरह मेरे बहुत से रिश्ते ख़त्म करवा चुकी हैं, लगता है वो मेरी शादी होने ही नहीं देंगी। सोनू चिड़िया मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, कल मैं शादी में अपनी मम्मा को संभाल लूँगा। फिर सोनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शादी की सारी तैयारियाँ हो जाती हैं, सोनू चिड़िया दुल्हन बनकर बैठ जाती है। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने कर लिया ना घर का बंदोबस्त? कोमल चिड़िया, हम दहेज में कोई घर वर नहीं देंगे। अरे भाई, दहेज मांगना कितनी गलत बात है। हाँ कोमल चिड़िया, हम गरीब पक्षी हैं, हम आपकी लालच को कभी पूरा नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हो, अगर घर नहीं है तो ये शादी भी नहीं होगी कभी, चल मुनमुन फौरन यहाँ से। मम्मा बस करो, आप आखिर मेरी शादी होने दोगी या नहीं, आप हर बार ऐसा ही करती हो, इतनी लालच ठीक नहीं, आप कितना ज़्यादा जुल्म कर रही हो मीनू आंटी पर। अरे वाह, अब तुम्हारी जबान भी चलने लगी मुनमुन चिड़े, चलो मेरे साथ फौरन घर, ये शादी कभी नहीं होगी। आपको जाना है तो जाओ, परंतु मैं तो सोनू चिड़िया से शादी करके ही घर आऊँगा अब। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है और वे काफ़ी ज़्यादा उदास होती है।
अरे मेरी बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मम्मा, आपने मुझे दहेज में कितना खराब लकड़ियों का सस्ता घर दिया था, जिस कारण उसकी छत टूट गई। बस छत टूटते ही मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से ही निकाल दिया। और पता है आपको, मेरी सास महंगे दहेज वाली अपनी दूसरी बहू ले आई हैं। देख लिया मम्मा, आज तुम्हारी गलती की सजा मेरी बहन को मिल रही है। कोमल चिड़िया तो ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ कर दो मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें बहुत परेशान किया मैंने। अब बस मैं अपने बेटे की शादी खुशी खुशी तुम्हारी बेटी से करवा दूंगी। और तो और, मुझे भी सब्जियों का खेत भी नहीं चाहिए। तुम अपनी बेटी को खुशी खुशी जो दोगी, मैं भी उसमें खुश हूँ। बस फिर मुनमुन चिड़े और सोनू चिड़िया की शादी हो जाती है और मीनू चिड़िया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। किसी जंगल में सोनू चिड़ा रहता था। सोनू चिड़ा काफी अमीर था। सोनू चिड़े की माँ कोमल चिड़िया भी सोनू चिड़े के साथ रहती थी। कुछ दिनों से सोनू चिड़ा दूसरे जंगल गया हुआ था, जिस कारण कोमल चिड़िया थोड़ी परेशान थी। बस मेरा बेटा जल्दी से दूसरे जंगल से वापस आ जाए तो मैं उसकी फौरन से शादी करवा दूंगी। बस एक हफ्ते के बाद सोनू चिड़ा अपने घर आ जाता है, परंतु वे अपने साथ एक दुल्हन को भी लेकर आता है। अरे बेटा, ये चिड़िया कौन है और ये दुल्हन क्यों बनी हुई है? माँ, ये मीनू चिड़िया है और मैंने इससे शादी कर ली है। क्या, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे बगैर तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। जरूर इस चिड़िया की ही चलाकी होगी, इसने ही तुम्हें फंसाया होगा। अरे नहीं नहीं माँ, मीनू चिड़िया तो बहुत मासूम है। मुझे मीनू चिड़िया बहुत पसंद थी, मैं आपको बस इसके बारे में बताने ही वाला था। परंतु मीनू चिड़िया की माँ ने मुझे अपने आखिरी समय में कहा कि मैं मीनू चिड़िया से फौरन से शादी कर लूँ। बस इसीलिए मुझे जल्दी जल्दी में मीनू चिड़िया से शादी करनी पड़ी। माँ जी, मैं बिल्कुल आपकी बेटियों की तरह रहूँगी। आप जो कहोगी मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। माँ, वैसे भी आप तो यही चाहती थी ना कि मेरी शादी किसी सुंदर चिड़िया से हो, तो देख लें आप, मीनू चिड़िया बहुत सुंदर है। अपने बेटे की बात सुनकर कोमल चिड़िया अपनी नाराजगी दूर कर लेती है और खुश हो जाती है। ठीक है भाई, मैंने अपनी नाराजगी दूर कर ली। अच्छा सोनू चिड़े, आज खुशी का दिन है, मैं जा रही हूँ पूरे जंगल में मिठाई बांटने। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। देखा मीनू चिड़िया, मेरी माँ कितनी अच्छी है, बस थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन फिर ठीक भी हो जाती है जल्दी। बस तुम मेरी माँ को कभी परेशान मत करना, ये जैसे कहें बिल्कुल वैसे ही करना। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सोनू चिड़े, अब तो मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई हैं, अब मेरी सास ही मेरी माँ हैं, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वहीं दूसरी तरफ कोमल चिड़िया अपने भाई मुनमुन चिड़े को मिठाई देने आती है। ये लो मेरे भाई, मिठाई खाओ, मेरे बेटे की शादी हो गई है और पता है बहुत ही सुंदर बहू लेकर आया है वो। क्या, कोमल चिड़िया, सोनू चिड़े ने शादी कर ली? अरे मैं तो पागल था जो मैं समझता था कि तुम अपने बेटे की शादी मेरी बेटी सोनू चिड़िया से करवाओगी, परंतु मैं गलत था। तुम तो अमीर हो ना, तुम्हें मेरी गरीब बेटी थोड़ी ना दिखेगी। अरे भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कभी सोनू चिड़िया और सोनू चिड़े की शादी की बात की ही नहीं मुझसे। कोमल चिड़िया, मैं खुद कैसे कह सकता हूँ, परंतु मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बेटी सोनू चिड़िया के सारे रिश्तों से इनकार कर दिया। तुमने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है। बस अब मैंने सोच लिया है, अब से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। चलो यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी यहाँ मत आना। बस फिर कोमल चिड़िया उदास होकर अपने घर चली जाती है और घर पर आकर मीनू चिड़िया को गुस्से में देखने लगती है। माँ जी आ जाएं, मैंने भोजन बना लिया है, अब आप जल्दी से भोजन खा लें। मुझे तुम्हारे हाथ का कोई भोजन नहीं खाना, तुम जैसी चलाक चिड़ियाओं की चलाकी तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे माँ जी क्या हुआ, अभी तो आप बिल्कुल ठीक थी, अचानक आपको क्या हो गया? तुम जैसी चलाक चिड़िया को तो मैं मरते दम तक कबूल नहीं करूंगी। अगर मैं अपने बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से करा देती तो आज मेरा भाई मुझसे नाराज ना हुआ होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। परंतु माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? बस अब कोमल चिड़िया हर समय मीनू चिड़िया से काम करवाती थी और हमेशा ही इसे डांटती रहती थी और अपने बेटे सोनू चिड़े के सामने मीनू चिड़िया के साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। देखा मीनू चिड़िया, मेरी माँ थोड़े ही दिनों में तुमसे कितना प्यार करने लगी हैं और तुम्हारा कितना ज्यादा ख्याल भी रखती हैं ये। सोनू चिड़े की बात सुनकर मीनू चिड़िया चुप रह जाती है।
मुझे कुछ भी करके इस मीनू चिड़िया को घर से निकालना ही होगा ताकि मैं अपने भाई की बेटी को अपनी बहू बना सकूं। अगले दिन कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया मैं घर से बाहर किसी काम से जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तुम घर का दरवाजा बंद कर लो। ये कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तोते मेरी बात सुनो, जल्दी से जाकर मेरे बेटे को बुला कर लाओ यहाँ पर, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा कोमल आंटी, मैं अभी जाकर बुला कर लाता हूँ सोनू चिड़े को। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब सोनू चिड़ा वहाँ पर आता है तो वे अपनी माँ जी से कहता है, अरे माँ ये क्या, आप इतनी धूप और गर्मी में यहाँ घर के बाहर क्यों बैठी हो? बेटा क्या बताऊँ, तुम्हारी पत्नी मुझ पर बहुत जुल्म करती है, रोजाना मुझे इसी तरह घर से निकाल देती है और मुझे इसी तरह धूप में बैठे रहना पड़ता है। देखो दरवाजा इसने बंद किया हुआ है, अब जब तुम्हारे आने का समय होगा तभी ये मुझे घर के अंदर बुलाएगी। क्या माँ, चलो मेरे साथ, इसको तो जाकर मैं देखता हूँ। फिर सोनू चिड़ा अपनी माँ को लेकर घर में आता है और बहुत ही गुस्से में मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया तुम इतनी चलाक निकलोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी माँ को परेशान मत करना, तो फिर इन्हें घर से क्यों निकाला तुमने? अरे सोनू चिड़िया आप क्या कह रहे हैं, मैं माँ जी को इनके घर से ही क्यों निकालूंगी? तुम्हें मेरी माँ से नफरत थी तो मुझे बता देती, यूँ धूप में बाहर निकाल कर मेरी माँ पर जुल्म करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? बेटा छोड़ दो इसे, अब बस इसे घर से निकाल दो, क्योंकि इस चलाक चिड़िया को अब मैं अपने घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर सोनू चिड़िया गुस्से में मीनू चिड़िया को अपने घर से निकाल देता है। मीनू चिड़िया का कोई नहीं था, जिस कारण मीनू चिड़िया रोते रोते एक छोटे से घोंसले में आकर रहने लगती है। बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी और वो भी सोनू चिड़िया से, सोनू चिड़िया बहुत अच्छी है। माँ मुझे कोई दूसरी शादी वादी नहीं करनी, बस अब मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वरना बेटा मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं माँ ऐसा मत करना, वरना तो मैं बिल्कुल ही अकेला हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं सोनू चिड़िया से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है बेटा, कल मैं सोनू चिड़िया को बुला लेती हूँ अपने घर पर। अगले दिन सोनू चिड़िया सोनू चिड़े के घर पर आती है। सोनू चिड़े, सोनू चिड़िया कल तुम दोनों की शादी है। बेटा सोनू चिड़िया आज तुम इधर ही घर में रुक जाओ, वैसे भी अब ये घर तुम्हारा ही है। सोनू चिड़िया बहुत चलाक थी, वे कोमल चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इस चलाक बुढ़िया को तो मैं अपने घर में रहने ही नहीं दूंगी, बस एक बार मेरी सोनू चिड़े से शादी हो जाए तो इस चलाक बुढ़िया को मैं अपने घर से ही निकलवा दूंगी। माँ मैं जा रहा हूँ काम पर, कल आ जाऊंगा वापस, क्योंकि काम थोड़ा ज्यादा है। फिर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। रात भी हो जाती है, जंगल में काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ए बुढ़िया अब ये घर मेरा हो गया है, चलो निकल जाओ इस घर से फौरन। ये क्या कह रही हो तुम सोनू चिड़िया, और ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम मुझे, सोनू चिड़े तो सिर्फ तुम्हारी बात सुनते हैं। अगर तुम यहाँ घर में रहोगी तो सोनू चिड़े सारी बातें तुम्हारी मानेंगे और मेरी तो सुनेंगे ही नहीं। फिर सोनू चिड़िया धक्के देकर कोमल चिड़िया को घर से निकाल देती है और अब कोमल चिड़िया तेज बारिश में भीगने लगती है। सुबह तक तो बारिश में भीगते भीगते इस बुढ़िया की मौत हो जाएगी और फिर मुझे मिल जाएगा छुटकारा, फिर मैं आराम से सोनू चिड़े के साथ इस घर में रहूंगी। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, मैं मर जाऊंगी। अरे ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, किसकी आवाज़ है ये, चलो जल्दी से देखती हूँ। मीनू चिड़िया आवाज़ सुनकर फौरन से अपनी सास के पास आ जाती है। माँ जी आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हैं? चले मेरे साथ, मेरे घोंसले में चले फौरन। फिर मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया को अपने घोंसले में ले जाती है। माँ जी सोनू चिड़िया ने आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, लेकिन अब आप बिल्कुल चिंता मत करें, अब आप मेरे साथ आराम से रह सकती हैं। मुझे माफ़ कर दो मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम पर इल्ज़ाम लगवाकर मैंने तुम्हें घर से निकाला था ना, देखो आज मैं भी अपने घर में ना रह सकी। अगले दिन सुबह सोनू चिड़िया वापस अपने जंगल में आ जाता है। सोनू चिड़िया माँ कहाँ है? अरे वो सोनू चिड़े माँ जी तो जंगल के पक्षियों के साथ घूमने गई हैं, शायद कुछ दिनों के बाद आएंगी। अरे ये क्या, माँ जी तो कह रही थी कि आज हमारी शादी है, तो माँ जी आज घूमने कैसे चली गईं? बेटा मैं कहीं नहीं गई, मैं तो यहीं हूँ, मुझे इस जालिम चिड़िया ने कल रात को तेज़ बारिश में घर से निकाल दिया था। वो तो मेरी मदद मीनू चिड़िया ने की,
वरना कल सारी रात में बारिश में भीगती भीगती मर ही जाती। क्या, कल रात तुमने मेरी माँ को घर से निकाल दिया था और वो भी तेज बारिश में। फिर कोमल चिड़िया भी सारी बात सोनू चिड़िया को बताती है कि कोमल चिड़िया ने गलत इल्ज़ाम लगाकर मीनू चिड़िया को घर से निकाला था। क्या माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मीनू चिड़िया मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी माँ की कितनी मदद की और मेरी माँ की जान बचाई। सोनू चिड़े, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मैंने आप सबको माफ़ किया। फिर सोनू चिड़ा सोनू चिड़िया को अपने घर से निकाल देता है और मीनू चिड़िया और अपनी माँ के साथ सुकून से अपने घर में रहने लगता है। दोस्तों, तो कैसी लगी आप सबको ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है।